सभी बोलेंगे ताली के साथ कि मेरी नैया में और बेटे श्री राम और गंगे मैया जी रे जाओ लक्ष्मण बोले भैया राम जो केवट का कर रहे हैं लोटपटा कर रहे तो राम बोले लक्ष्मण भैया चुपचाप बैठे रहो केवट नाव चलाना जानते हो बीच धार में है ना डूबे देखो जाएंगे चुपचाप बैठ रहे कुछ कहियो ना लक्ष्मण बोले चुप ही तो बैठे हैं उतने टाइम तक हम देख रहे हैं जो केवट जाओर ले जाते जाओर ले जाते लक्ष्मण को चैन ना है बोलो लक्ष्मण बोले ए केवट भैया हमें जल्दी जाना है केवट बोले 14 वर्ष को वनवास में जाना है बोले हां जन्नाओ में ही बिताए ले कौन जाने को अरे वन में जाना 14 वर्ष बिताना जन्नाओ में 2-4 दिन बिताए ले उसी समय लक्ष्मण बोले देख केवट भैया बात वो नहीं है हमें जल्दी पार कर दे हमें डर लग रहा है पानी में पानी में डर लग रहा है केवट बोले भूल गए पूर्व जन्म में तुमने फुसकार मारी थी हमें हम पानी में जाए के गिरे थे आज मौका बढ़िया है लक्ष्मण बोले देख केवट भैया कोई पूर्व जन्म की याद है तू कछुआ तू और हमने तो फुसकार मारी था तू पानी में गिरे को कोई बदला ले रहा होगा केवट बोले बिल्कुल अब लक्ष्मण चुपचाप बैठे गए राम बोले केवट भैया जल्दी कर ले केवट बोले भूल गए चोरा
लगवाए और हमने जब नैया की चक्कर लगाए टाइम तो भर गए 84 लाख योनियों में हमें चक्कर लगवाए तुमने और जब नाव में चक्कर लगा रहे तुम्हें बहुत भारी भर रहे हैं चुप जा बैठे रहा लक्ष्मण बोले राम भैया अब चुप जा बैठ जाओ जाके आदमे बल लिया जो तो नाव चला वो जानते है पर हार के तुम्हें कुछ डुबाए तो डूबे रह जाइयो अब चुपचाप दोनों भैया बैठ गए और केवट नाव जावर ले जाए तो जावर ले जाए वो बीच में घुमाए पार नहीं करे और गाना गा रहे हुए केवट का मेरी नैया